तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर इशारा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमारे वहां गठबंधन के सरकार के द्वारा दिए जा रहे नौकरियों से घबराकर अपना एजेंडा बदल दिए। अब हिंदू मुस्लिम के बजाय केंद्र सरकार भी जनता को रिझाने के लिए नौकरियों के लुभाने वादे कर रहे हैं। तो वही तेजस्वी ने अरविंद केजरीवाल मामले पर बोलते हुए कहा कि इस देश में जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी तो सरकार उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देगी। हम लोग की सरकार भी लगातार बिहार में नियुक्तियां बांट रही है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार मेरे पीछे भी ईडी और सीबीआई लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। हुआ था, उसके बाद कहीं नहीं हुआ। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ जाति आधारित गंदा कराया गया। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ उसके पास अपनी आबादी का साइंटिफिक डेटा है और इसके आधार पर हम लोग उसी हिसाब से कल्याणकारी योजना बनाएंगे। जहाँ जो पिछड़ा समाज है, जो गरीब समाज है, उसके उत्थान के लिए हम लोग योजना बनाएंगे। जो सोसाइटी में बैक बेंचर है, जो अंतिम पैदान पर जो समाज खड़ा है, उन सब को हम लोग जो है मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। अब हमारे पास आंकड़े जुटे हैं, सारा आंकड़ा जुट गया कि कौन सी जाति की कितनी आबादी है और कौन से जाति के लोग कितने गरीब हैं, कौन लोग हैं जो ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो है बिहारी मजदूर है, कौन लोग जो है भीख मांगने का काम करता है, कौन लोग है जो भूमिहीन है। इन सबको हम लोग रेखांकित करके उनके लिए कल्याणकारी योजना बनाएंगे और ये सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग आर्थिक न्याय भी लोगों के साथ हम लोग करने का काम करेंगे। तो ये सरकार, ये आपकी सरकार है, इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के मिल करके जो है काम करना है। बड़ी लड़ाई लड़नी है और आने वाला लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार से ही नहीं बल्कि देश के सत्ता से हम लोग बाहर बेदखल करने का काम करेंगे। तो सब लोग एकजुट रहिए और एकजुट रह करके लड़ाई लड़ना है और इसमें हम लोगों के सब लोग पुराने साथी रहे। जी राजा साहब, हम लोग सब लोगों का प्रयास था कि सब विपक्षी दल जो है एकजुट हो जाए, एकजुट सब लोग हो गए, सब लोग अग्री कर गए। और अभी तो क्योंकि फिलहाल 5 राज्यों में जो है चुनाव चल रहा है और वहाँ सब लोग जो है व्यस्त है, इसके बाद हम लोग सब लोग बैठ करके सारे काम को तेजी से करेंगे। मिलजुल करके जो बात होगा तय हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो गरीब का जो एजेंडा है, जो नौजवानों का जो एजेंडा है, जो मजदूरों का जो एजेंडा है, जो किसानों का जो एजेंडा है, उसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सबको साथ लेकर के चलेंगे और देश को जो है तानाशाही से मुक्त कराएंगे, जुमलेबाजी से मुक्त कराएंगे। आप लोग तो जान रहे, बिहार में हम लोग का सरकार बना, हम लोग नियुक्ति पत्र बांटने लगे तो देश के सबसे बड़े कलाकार उनका फिर उससे कलाकारी शुरू हो गई। देखा देखी वो भी नियुक्ति पत्र बांटने लगे तो हम लोगों ने एजेंडा तय कर दिया। बिहार के 2020 के चुनाव के बाद जहां भी चुनाव हुआ या हो रहा है, आज असल मुद्दे पे हो रहा है, चाहे कोई दल के हो, आज उनको बेरोजगारी को बर्बाद करने पर मजबूर हम लोगों ने करने का काम किया है। आज कोई पार्टी चुनाव में अगर आता है तो बात करता है कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, हम आएंगे तो 20 लाख नौकरी देंगे। तो ये काम तो हुआ, एक उपलब्धि तो हुई है कि कम से कम हिंदू मुसलमान की जगह आज रोजगार पे बात हो रही है, बेरोजगारी पे बात हो रही है, जो असल मुद्दा है उस पे बात हो रही है। तो इसलिए रुपया तो कमजोर हो रहा है लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा। देश का जीडीपी गिर रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है, पड़ोसी देशों से संबंध खराब हो रहे हैं, ये सारा चीन जो है घुस गया भारत के अंदर, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई डिबेट नहीं हो रहा। डिबेट क्या हो रहा है, केवल विपक्षी नेता क्या। आज केजरीवाल जी को ईडी ने नोटिस किया तो हम लोग तो जानते ही थे, हम तो जब महागठबंधन हम लोग बना रहे थे पिछले साल तभी कह दिए कि बीजेपी को इतना बड़ा झटका दिए है हम लोग, ये लोग फिर से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स शुरू करेगा। अब हम लोग नौकरी बांटने का
काम कर रहे हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। और उधर बीजेपी जो कहती थी मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देना तो छोड़े छीना जा रहा है, तब उनको मजबूर होकर के इनसे बात करना पड़ रहा है, तो बदला तो लेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में बिहार में फिर से ईडी, फिर से सीबीआई, फिर से इनकम टैक्स। उसलिए आप सब लोग निश्चिंत रहिए, इन लोगों से कोई डरने वाला नहीं, आपका अधिकार के लिए हम सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे और इनको ध्वस्त करने का काम करेंगे। तो ज्यादा समय ना।